हम दोनों साथी अखिल गोगोई और तीन अन्य साथियों से जाके जेल में मिले। मेरे साथ अभी साहा है, आप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो कि 200 से अधिक किसान संगठनों का समन्वय है उसके प्रतिनिधि के रूप में अखिल भाई से मिलने आए थे। मैं योगेंद्र यादव, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके जो समन्वय है 100 से अधिक संगठनों का, एंटी का मूवमेंट का जो समन्वय है उसकी तरफ से मिलने आए थे। हम पूरे देश के जो एंटी का मूवमेंट के आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से समर्थन का संदेश लेके आए थे। हमने उन्हें बताया कि पूरे देश में आज अखिल का नाम अखिल भारतीय हो गया है, पूरे देश में अखिल की बात हो रही है और पूरे देश में पहला NIA अखिल गोगोई पे लगा। इसका मतलब है कि सरकार को अगर पूरे देश में किसी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा डर लगता है तो अखिल से लगता है, किसान मुक्ति संग्राम समिति से लगता है। ये हमारे लिए तो बैज ऑफ ऑनर है, मैंने उन्हें बताया। अखिल ने बताया पूरे देश के संग्राम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो एंटी का मूवमेंट हो रहा है और बाकी देश में एंटी का मूवमेंट जो हो रहा है, दोनों मूवमेंट को जोड़ा जाए। और विशेष तौर पर अखिल ने असम के युवकों से, नॉर्थ ईस्ट के युवकों से और पूरे देश के युवकों से अपील की है कि पूरे देश को यूनाइट करने का ये जो मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में वो लीड, यूथ लोग लीड लें ताकि इस देश में ये जो दमनकारी शक्तियां हैं इनका विरोध किया जा सके। और हमारे सब साथियों का मुझे बहुत अच्छा लगा कि जेल में उनका हौसला बहुत बुलंद है, वो आश्वस्त हैं और उन्हें पता है कि इस संघर्ष में विजय हम